हाय गाइस। तो यार आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो है हमें सॉर्ट जीरोज़ एंड वंस, राइट। तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे इसका नाम है तो वही है कि हमें एक एरे में एलिमेंट्स दे रखे होंगे जिसमें काफ़ी ज़ीरोज़ होंगे एंड काफ़ी वंस होंगे, और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग टू पॉइंटर अप्रोच। टू पॉइंटर अप्रोच इज़ वी कैन से ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अप्रोच, राइट। तो टू पॉइंटर अप्रोच में बेसिकली हम एक बार इसके अप्रोच डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको कोड भी करेंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली एक पॉइंटर लेते हैं जो हम एरे के स्टार्टिंग में रखते हैं। लाइक इसका अगर इंडेक्स हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट। तो हम एक इंडेक्स लेंगे विच इज़ लो, जिसका नाम लो है, उसको हम रखेंगे 0th इंडेक्स पे। एक हम लेंगे जिस हाई, जिसको हम रखेंगे लास्ट इंडेक्स पे, है ना। तो हम इस अप्रोच को बेसिकली हम क्या करते हैं, अब हम लो को लेफ्ट टू राइट चलाएंगे एंड हाई को राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे। तो हम कंडीशन ये चेक करेंगे कि अगर तो हमारा एरे ऑफ लो मींस अगर हमारा एरे ऑफ लो इज इक्वल टू 0 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लो को एक स्टेप आगे ले जाएंगे, बिकॉज हमें 0 लेफ्ट साइड पे ही रखने थे। तो हम इस वजह से अगर हमारा एरे ऑफ लो ऑलरेडी 0 है तो हम सिर्फ लो को प्लस प्लस कर देंगे। लेकिन अगर हमारा एरे ऑफ लो इज इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे कि हम लो एंड हाई के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको स्वैप करवा देंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्वैप करवा देंगे एरे ऑफ लो एंड एरे ऑफ हाई को। तो जो भी हमारा लो पे 1 होगा वो हाई पे चला जाएगा, एंड जो भी हाई की वैल्यू होगी वो लो पे आ जाएगी। और एंड आफ्टर दिस हम सिर्फ एंड सिर्फ हाई को माइनस माइनस करेंगे। हाई को माइनस माइनस सिर्फ इसलिए करेंगे बिकॉज हमारा लो पे जो 1 था वो हाई पे तो चला गया, लेकिन वी डोंट नो कि हाई पे वैल्यू क्या थी और इधर हाई ने क्या पास किया। तो अगर ऑलरेडी इधर 1 हुआ, इधर इधर भी 1 हुआ, तो हाई ने इधर 1 दे दिया, तो हमारा सॉर्टिंग अच्छे से नहीं होगी, राइट। तो एक बार इस कोड को हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारा एरे ऑफ लो 1 है तो हम स्वैप कर देंगे। अब स्वैप करने के बाद क्या होगा कि एरे ऑफ लो पे ऑलरेडी 1 है तो 1 को 1 से स्वैप कर देंगे, तो हमारा एरे आ गया 1 0 0 1 1 0 1 0 1। तो लो तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, हाई को हमने स्वैप करने के बाद हाई को हम एक स्टेप पीछे ले आएंगे, लो वहीं के वहीं रहेगा, हमने लो को नहीं छेड़ा, हाई को हम एक स्टेप पीछे ले आए। अब हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, लो पे 1 है तो उसको हाई के साथ स्वैप करवा देंगे। तो सेकेंड आइटरेशन में हमारे पास क्या होगा, जब हम इस 0 को इस 1 के साथ स्वैप कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 0 0 0 1 1 0। अब यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर हमने स्वैप करके ये 0 इधर आ गया तो ये 1 इधर चला जाएगा एंड एज इट इज़ 1। अब सेम स्वैप करने के बाद हमने क्या किया, लो हमारा यही है, हाई को हम फिर एक स्टेप पीछे ले आए हाई। अब हमने देखा कि लो हमारा ऑलरेडी 0 है तो इस केस में हमने क्या किया, लो को यहाँ से हटा के हम यहाँ ले आए। अब अगेन लो लो 0 पे है तो हमने लो को हटा के लो को हम यहाँ ले आए, अगेन 0 है तो हम लो को यहाँ ले आए। अब जब यहाँ लेके आए यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, अब हम अगेन स्वैप करेंगे, राइट। लो हमारा यहाँ था, हाई हमारा यहाँ था, दोनों को स्वैप होने के बाद अगेन एलिमेंट सेम रहेंगे बट हाई पीछे आ जाएगा
लो यही रहेगा, लो वन है हाई जीरो है, अगेन इनको स्वैप करेंगे तो ये जीरो इधर आ गया, ये वन इधर चला गया, राइट। तो हम इसको यहीं एक बार अपडेट कर देते हैं, हमारा जीरो यहाँ आ गया, वन यहाँ चला गया, तो हमारा ये हो गया। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है। तो ये बेसिकली हमारी थी सिंपल सी टू पॉइंटर अप्रोच, कि अगर तो हमारा लो वन है तो उसको हाई के साथ स्वैप करवा दो एंड हाई को एक स्टेप पीछे ले आओ, अगर लो जीरो है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लो को एक स्टेप आगे ले जाएंगे, सिंपल। अब एक बार इस सेम अप्रोच को हम सेम तरीके से एक बार कोड करके देखते हैं अपने वीएस कोड पे। तो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक एरे ऑलरेडी बना रखा है, एरे को मैंने ओरिजिनल एरे को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल कर दिया जो फंक्शन हमारे एरे को सॉर्ट करेगा, आफ्टर दैट मैंने सॉर्टेड एरे को प्रिंट करा दिया, राइट। तो हम सेम अप्रोच करेंगे, हमने क्या करा, एक लो इंडेक्स ले लिया जो उसको जीरो पे रख दिया, एक हमने हाई पॉइंटर ले लिया जिसको हम क्या करेंगे, एरे के साइज माइनस वन मीन्स लास्ट इंडेक्स पर रख देंगे। अब लूप को हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई है, राइट। हमने लो को तब तक चलाया जब तक हमारा लो इज हमने लूप को तब तक चलाया जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई है, इफ एरे ऑफ लो इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में हमने क्या देखा था, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम लो को अपडेट कर देंगे, एल्स क्या करेंगे, अगर हमारा लो जीरो नहीं है, हमारा लो वन है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे एरे ऑफ लो को एरे ऑफ हाई के साथ, और इस केस में हम सिर्फ हाई को माइनस माइनस कर देंगे। सिर्फ इतने से कोड के बाद अब हम अगर अपना आउटपुट चेक करें तो हमारा आउटपुट ओरिजिनल एरे ये रहा एंड सॉर्टेड एरे हमारा ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है, राइट। तो ये बेसिकली हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बेसिकली ये यही थी हमारी टू पॉइंटर अप्रोच, जिसमें हम दो पॉइंटर लेते हैं एंड इन दो पॉइंटर की हेल्प से हम अपने एरे को ट्रेवर्स करते हैं, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना होता है वो हम टास्क परफॉर्म करते हैं। सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी, हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, थैंक यू सो मच।